प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग प्रकाश का जो इंट्रोडक्टिव चैप्टर था, प्रकाश का जो परिचयात्मक चैप्टर था, उसी का डिस्कशन हम लोग कल भी कर रहे थे और थोड़ा सा आज भी उसी का डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग अपने चैप्टर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग तमाम छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं और उसमें तमाम हेडिंग आपको छोटी छोटी सारी बेसिक बातें आपको बताया हूँ। उसी क्रम में मैं कल लास्ट में आपको हेडिंग डलवाया था, सघन एवं विरल माध्यम, उसी की चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो सघन और विरल माध्यम क्या है, आज यहीं से अपना टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। सघन एवं विरल माध्यम, जितने भी प्रकाशीय माध्यम है, यानी जिनमें प्रकाश संचरित हो सकती है, जिनमें प्रकाश चल सकती है, उसी को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। पहले हम लोग बताए भी हैं कि जैसे वायु है, जल है, कांच है, ये सब प्रकाशीय माध्यम है, क्योंकि इन माध्यमों में प्रकाश आसानी से गति कर सकती है, प्रकाश आसानी से संचरित हो सकती है। तो अब जितने भी प्रकाशीय माध्यम हैं, जैसे मैंने बताया अभी उदाहरण, उनमें सघन कौन है, विरल कौन है, ये आपके लिए पहचानना आवश्यक है। क्योंकि पूरी प्रकाश में जब आप अपवर्तन पढ़ेंगे तो उसमें हर पॉइंट में, हर हेडिंग में, हर न्यूमेरिकल में आपको सघन और विरल की पहचान होनी चाहिए, तभी आप सवाल लगा सकते हैं। तो सघन और विरल आपसे जब भी पूछा जाए, सघन और विरल से संबंधित कोई भी बात, तो एक बात दिमाग में याद रखिए, कोई माध्यम यदि आपको अकेला दिया गया है और पूछा गया कि ये सघन है कि विरल, तो आप अकेले किसी माध्यम को सघन या विरल नहीं बता सकते हैं। जैसे मैंने आपके क्लास में जितने बच्चे हैं, किसी को खड़ा कर दिया और पूछा कि ये बच्चा रिच फैमिली का है कि पुअर फैमिली का है, कि धनी है कि गरीब है, तो आप अकेले किसी बच्चे को धनी या गरीब नहीं कह सकते हैं। हाँ, यदि उस बच्चे की तुलना किसी से की जाए कि फला की तुलना में बताओ, तब आप कह सकते हो कि हाँ उससे ये धनी है या उससे ये गरीब है। उसी तरह से यदि क्लास में आपके कोई बच्चे को हमने खड़ा कर दिया और पूछा कि ये बच्चा ब्रिलियंट है कि वीक है, तो भी नहीं बता सकते। जब तक किसी से तुलना ना कीजिए, तब तक उसको न तो आप ब्रिलियंट कह सकते हैं न वीक कह सकते हैं। ठीक उसी तरह से यदि कोई माध्यम आपको दिया गया और कहा गया बताओ सघन है कि विरल, तो आप कहिए कि हमें दो माध्यम दीजिए, तुलना करके हम बताएंगे कौन सघन है कौन विरल है, बिना तुलना के नहीं बताया जा सकता। अब आप कैसे तुलना करके जानेंगे, यदि मान लीजिए दो माध्यम आपको मैंने दे दिया, तो आप कैसे ये बात जानेंगे कि ये माध्यम सघन है और ये विरल है? तो उसको यहां पर हम आपको समझा रहे हैं, उसको ध्यान से समझिए। वास्तव में सघनता और विरलता की जो वास्तविक पहचान भौतिक सिद्धांतों पर आधारित है, जो भौतिकी में है, वो 10th लेवल में बताना संभव नहीं है। इसलिए कक्षा 10 के बच्चों को सामान्य तरीके से बता दे रहे हैं पहचानने का तरीका, वास्तव में भौतिकी के हिसाब से तरीका दूसरा है, ये नहीं है, लेकिन आपको जानने के लिए बता दे रहे हैं। जिस माध्यम, सीधा सीधा मतलब ये ना कहना कि पूरी सिद्धांत ही है, ये हाई स्कूल लेवल के बच्चों के लिए समझने के लिए काफ़ी है, कि जिस माध्यम के कण काफ़ी पास पास हों वो सघन है, दूर दूर हों विरल है। जैसे आप जानते हो कि ठोस, द्रव और गैस जो तीन तरह के पदार्थ हैं, तो ठोसों के अणु काफ़ी पास पास होते हैं, द्रवों के थोड़ा दूर होते हैं और गैसों के ज़्यादा दूर होते हैं। तो आपको मान लीजिए मैंने दे दिया कांच और जल, तो यदि आपको हमने कांच दे दिया और जल दे दिया, तो चूंकि कांच ठोस अवस्था में है इसलिए इसके अणु काफ़ी पास पास होंगे, और जल द्रव अवस्था में है इसके और इसकी तुलना में थोड़े दूर दूर होंगे, इसलिए यदि एक साथ कांच और जल दिया जाए तो कांच सघन हो गया और जल विरल हो गया।
उसी तरह से यदि आपको वायु और जल दे दिया जाए, तो चूंकि वायु गैसीय अवस्था में है और जल द्रव अवस्था में है, इसलिए इसके अणु काफी दूर हैं, इसके काफी पास हैं, इसलिए ये विरल हो गया, ये सघन हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से यदि वायु और कांच दे दिया जाए आपको, तो चूंकि वायु गैसीय अवस्था में है और कांच ठोस अवस्था में है, तो इसके अणु काफी दूर दूर होंगे, इसके अणु काफी पास पास होंगे, इसलिए इन दोनों में ये विरल हो गया, ये सघन हो गया। तो जिसके अणु दूर दूर हो वो विरल, और जिसके अणु पास पास हो वो सघन। आप हाई स्कूल लेवल पर इतना ही जानिए काफी है, ठीक है ना। तो ये समझा दिया आपको मैंने सघन और विरल माध्यम। अब आप नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग लिखिए, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, देखिए प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे, अभी परिभाषा बताने के पहले आप यहां फिगर से समझिए। जैसे मान लो नीचे हमने द्रव ले लिया कोई, या जल ले लिया, मान लीजिए हमने जल ले लिया और ऊपर हमने वायु ले ली, और यह पृष्ठ जो दिखाई दे रहा है इसका कुछ भी नाम रख दीजिए, एबीसीडी एमएन नाम रख दिया हमने, तो ये एमएन जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है, आपको मैंने कल बताया था यही अंतरा पृष्ठ हो गया, अंतरा पृष्ठ जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है। अब मान लीजिए एक प्रकाश की किरण हम वायु से जल में भेज रहे हैं, ये प्रकाश की किरण सीधे वायु से जल में जा रही है, तो जब प्रकाश की किरण वायु से जल में जाएगी तो अंतरा पृष्ठ को जिस बिंदु पर काटेगी वो आपतन बिंदु है, ये आपको बताया जा चुका है। जैसा कि प्रकाश की प्रकृति है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलना चाहता है, तो ये जो प्रकाश की किरण वायु से जल में जा रही है, तो ये किरण चाहेगी कि ऐसे हम सीधे निकल जाए, ऐसे सीधा जाना चाहेगी। लेकिन जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, सीधे नहीं जाती है। तो प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने वास्तविक पथ से हट जाने, विचलित होने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहां पर देखिए प्रकाश वायु से जल में जा रहा है, तो चूंकि यहां के बाद माध्यम बदल गया, तो अभी हमने बताया है कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, जो माध्यम परिवर्तित होगा त्यों प्रकाश का पथ भी बदल जाएगा। इसका मतलब ये प्रकाश सीधे नहीं जाएगी, अब पथ बदल के किधर जाएगा यह जानने के लिए आपको अभिलंब खींचना पड़ेगा। याद कर लीजिए, हर सवाल में यह करना है। अब चूंकि प्रकाश यहां से सीधे जानी चाहती थी, लेकिन चूंकि यहां के बाद माध्यम बदल गया इसलिए सीधे जाएगी नहीं, अब किधर की ओर मुड़ेगी यह जानने के लिए हम एक अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब खींचने के लिए मैंने कल बताया था कि एक ऐसी रेखा खींचिए जो इस आपतन बिंदु से होकर गुजरे और इस अंतरा पृष्ठ के लंबवत हो, यह अभिलंब हो गया आपका, अभिलंब खींच दिया। अब यहां पर आपको याद ये करना है कि यदि प्रकाश विरल से सघन में जा रहा है, जैसा कि आप जानते हो कभी बताया हूं वायु विरल है और जल सघन है, तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अपने वास्तविक पथ को छोड़कर थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो प्रकाश का यह वास्तविक पथ है, इसको छोड़ देगी और अभिलंब यह है ना, अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाएगी, यानी ऐसे मुड़ जाएगी। अब यह किरण अपवर्तित किरण कहलाती है क्योंकि अंतरा पृष्ठ से दूर जा रही है, इसीलिए याद रखना यह आपतित किरण है, यह अपवर्तित किरण है। तो आपतित किरण को यह सिंगल तीर द्वारा दिखाए हैं, अपवर्तित किरण को डबल तीर द्वारा दिखाए हैं, आप भी ऐसा कीजिएगा।
तो ये कहा गया कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो अपने वास्तविक पद से विचलित हो गई। तो वास्तविक पद से विचलित होने को ही अपवर्तन कहते हैं, यानी यहां कह सकते हो कि प्रकाश का अपवर्तन हुआ। और ये भी याद रखना कि जब विरल से सघन में जाएगी तो थोड़ा सा अभिलंब की ओर आ जाएगी, ठीक है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आपतन कोण। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तन कोण कहलाता है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, अपवर्तन कोण, ठीक है। अब यहां एक दूसरा चित्र देखिए, मान लीजिए यह एक अंतरा पृष्ठ है MN, और नीचे हमने जल ले लिया, ये जल है और ये वायु है। जल यानी सघन माध्यम, वायु यानी विरल माध्यम। अब एक प्रकाश की किरण को हम जल से वायु में भेज रहे हैं, ये और ये किरण चूंकि अंतरा पृष्ठ की तरफ आ रही है इसलिए इसे आपतित किरण कहेंगे, और आपतित किरण अंतरा पृष्ठ के जिस बिंदु को टच करती है उसी को आपतन बिंदु कहते हैं। अब प्रकृति के अनुसार प्रकाश की किरण को तो सीधे जाना चाहिए, लेकिन चूंकि यहां के बाद माध्यम बदल रहा है इसलिए अपवर्तन के अनुसार ये माध्यम बदल रहा है, इसलिए नियमानुसार प्रकाश अपना पथ बदलेगा। पथ बदल के किधर जाएगा ये जानने के लिए यहां भी हम अभिलंब खींचेंगे, या हमने अभिलंब खींच दिया। अब चूंकि यहां प्रकाश जा रही है सघन से विरल में, तो जब सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी, यानी ऐसे चली जाएगी। तो ये चूंकि अंतरा पृष्ठ से दूर जा रही है इसलिए अपवर्तित किरण है, ये आपतित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण, ठीक है ना। तो यहां पर जो चित्र में हमने दिखाया है इसमें याद रखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। यानी जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो निश्चित रूप से अपना पथ छोड़ेगी, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित हो जाना, जैसे पथ ये था इधर हो गई, पथ ये था इधर हो गई, अपने पथ से विचलित हो जाने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख सकते हो कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का अपने पथ से विचलित हो जाने की घटना को या विचलित होने की घटना को अपवर्तन कहते हैं, विचलित होने की घटना को अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। यह हो गया प्रकाश का अपवर्तन, और चित्र के माध्यम से भी हमने दिखा दिया है, और आप हमेशा इसको याद रखिएगा कि प्रकाश जब विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा, और जब सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि पूरा प्रकाश में हमेशा इसकी जरूरत हर हेडिंग में पड़ेगी, इसलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना है। ये चित्र जो बनाया है हमने इसको याद रखिएगा कि सघन से विरल, विरल से सघन जाने में क्या होगा, आपतन कोण किसके किसके बीच का कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण किसके किसके बीच का कहते हैं, अभिलंब क्यों खींचते हैं, ये सब मैंने बता दिया है। तो प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा लिख लेना, और परिभाषा लिखने के बाद ये दोनों चित्र बना लीजिएगा, ठीक है ना। अगली हेडिंग, ये चित्र बना लेना, अगली हेडिंग है अपवर्तन ना होने की
शर्तें, अपवर्तन न होने की शर्तें। यानी इस हेडिंग में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किन किन स्थितियों में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर भी प्रकाश अपने पथ से विचलित नहीं होती, यानी अपवर्तन की घटना नहीं होती है। ये डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।